Hello student, how are you? Hope all of you are fine. So class 8, today is your science class, okay? All of you take your books and open page number. All of you take a book and open page number 34, okay? So class 3, all of you take your science book and open page number 34. What's the topic today? Today topic is birds. Aaj hamara topic kya hai? Birds ke bare mein. इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स के फीचर्स के बारे में जब पढ़ेंगे कि बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं, उनके फीडर्स और बिक्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फीडर्स और बिक है, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फीड क्लॉ है, और फिर जानेंगे कि उनके जो नेस्ट बनाने की हैबिट्स हैं एंड है कैसे वो अपने यंग वन से कोरिलेट करते हैं. ओके, वी सी मेनी बर्ड्स अराउंड अस. हम अपने अगल बगल में या कहीं पर भी हम आसानी में अपने आसपास क्या देखते हैं, बर्ड देखते हैं. बर्ड्स सच एज पिजन, क्रो, स्पैरो एंड पैरट आर कॉमनली सीन. बर्ड्स में हम क्या इजली वे में देखते हैं, पिजन, क्रो, स्पैरो एंड पैरट को हम बहुत इजली में देखते हैं और हमेशा देख ही जाते हैं ये. डू यू फील अमेज बाय द वे द फ्लाई. आपको ये पता है ये कैसे फ्लाई करते हैं, क्योंकि अदर एनिमल्स तो फ्लाई नहीं करते हैं बट बर्ड्स है कि वो फ्लाई करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज देयर बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल्स. क्यों, इसके बारे में हम अब डिस्कस करें. ओके, बर्ड्स आर फेदर लिविंग बींग्स. बर्ड्स क्या है, पंख वाला एक लिविंग बींग्स है. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स फ्लाई नहीं करते हैं, फेदर्स नहीं होते, लेकिन ये क्या है, फेदर लिविंग बींग्स है. दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स एंड टेल. इनके पास क्या है, पेयर ऑफ दो पंख हैं और एक टेल है जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. सी ये क्या है, बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड का क्या क्या है, हेड है, बिक मतलब चोंच, विंग्स मतलब पंख, पूंछ का मतलब टेल, दिस इज लेग एंड दिस इज आई. ये क्या है, बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स हैं. ओके, दे स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प देम टू मूव द विंग्स. दिस मसल आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. ये जो स्ट्रॉन्ग मसल के हेल्प से ही ये क्या, इनके विंग्स मूव करते हैं. इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट मसल्स बोलते हैं. जो इनके मसल्स स्ट्रॉन्ग मसल के कारण ही इनके विंग्स क्या होते हैं, मूव करते हैं. अगर आप अपने हाथ को ये करो, उठाओगे, अप डाउन एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करोगे, तो आप देखो आपके मसल्स को यूज़ होता है. ठीक उसी तरह बर्ड्स के भी स्ट्रॉन्ग मसल्स के ही रीज़न से उनके जो विंग्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट मसल्स. द बॉडी ऑफ बर्ड्स आर डिजाइन इन अ वे दैट हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स का बॉडी ऐसा डिजाइन ही किया गया है जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. इट इज सेप लाइक अ बोट. इसको ये कैसा सेप लगता है हमें, बोट की तरह लगता है. द बर्ड्स हैव पॉइंटेड हेड एंड अ बीक. बर्ड का जो है पॉइंटेड हेड और बीक है जिसकी वजह से एयर को कट करके हवा में उड़ते हैं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी. इसको क्या, इनकी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या हुआ, आप पीछे आपका इनका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, देख लेना. बट स्ट्रीम लाइन बॉडी मीन्स होता है कि मिडिल पार्ट जो इनका क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है, ऊपर और नीचे, टॉप एंड जो नीचे वो क्या है, नैरो, पतला है. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी. दिस मेक इट ईजी फॉर बर्ड टू फ्लाई. ये इसलिए ये इनके ईजी रहता है बर्ड को फ्लाई करने में. द बॉडी ऑफ बर्ड इज लाइट बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ हॉलो बोन्स. जो बर्ड्स का बॉडी होता है वो बहुत हल्का होता है. क्यों होता है, क्योंकि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो हॉलो बोन्स, मतलब खोखली हड्डी है इनके पास. ऑन द अदर हैंड द स्केल्टन ऑफ बर्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बट इनका स्केल्टन जो है, जो ढांचा है हड्डियों का, वो क्या है, वो बहुत स्ट्रांग है. बट इनका हड्डी जो होता है खोखला होता है, इसलिए क्या होते हैं, हल्के होते हैं. दिस हेल्प्स टू फ्लाई ईजली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बर्ड्स हल्के क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी हड्डी जो होती है वो खोखली होती है. बट इनके जो स्केल्टन होते हैं, जो इनके बॉडी हड्डियों के ढांचा होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. इस वजह से वो बहुत ईजली फ्लाई करते हैं लंबे समय के लिए. ओके, द टेल ऑफ बर्ड्स हेल्प इट टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. इनकी जो पूंछ होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है ना. हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं. अ बर्ड लिफ्ट्स इट्स बॉडी अप इन द एयर बाय फ्लैपिंग द विंग्स.
बर्ड जैसे ही अपने बॉडी को ऊपर करते एयर में, वो अपने विंग्स को क्या करते हैं, पंख को फ्लैप करते हैं, फ्लैप मतलब फड़फड़ाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से फड़फड़ाते अपने पंख को, तो वो एयर में फ्लाई करते हैं। देयर आर टू वेज इन विच बर्ड्स मूव दो वेज होते हैं जो बर्ड मूव करते हैं अपने विंग्स के, जैसे डाउनवर्ड डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स। जब नीचे की ओर डाउन स्ट्रोक करते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, विंग्स को डाउनवर्ड की ओर मूव करते हैं एंड देन फॉरवर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द अप स्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब ये ऊपर की ओर जाते हैं तो अपने विंग्स को क्या करते हैं, अपवर्ड करते हैं और बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं, ओके। व्हेन अ बर्ड लैंड्स इट स्प्रेड आउट द विंग्स एंड ग्लाइड्स डाउन स्मूथली विदाउट मच फ्लैपिंग। जब ये जमीन पर लैंड करते हैं, बैठते हैं कहीं, तो अपने विंग्स को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ग्लाइड्स को डाउन एंड स्मूथली विदाउट मच फ्लैपिंग। जब वो नीचे उतरते हैं तो अपने पंख को ज़्यादा फड़फड़ाते नहीं, अपने विंग्स और ग्लाइड्स को वो स्मूथली डाउन करते हैं, ओके। फ्लाइटलेस बर्ड। देयर आर ओवर 9,000 डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई सच एज ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी एंड पेंगुइन। 9,000 डिफरेंट काइंड बर्ड्स में इन द कितने काइंड ऑफ द बर्ड्स हैं, 9,000 डिफरेंट काइंड ऑफ द बर्ड्स हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, जिसमें से बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, बट कुछ बर्ड्स जो है वो फ्लाई नहीं करते। कौन कौन नहीं करते हैं, ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी एंड पेंगुइन फ्लाई नहीं करते, बट इट इज़ अ बर्ड। ये क्या है, बर्ड है लेकिन ये फ्लाई नहीं करते, ओके। कितने वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड है, 9,000 है, ओके। फीदर्स मतलब पंख। वॉट इज दिस फेदर्स? फेदर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी। फेदर्स जो है, पंख जो है, बर्ड्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। ये क्या करते हैं, बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, कौन करते हैं हेल्प, फेदर्स। फेदर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ बर्ड फ्रॉम डिफरेंट वेदर एंड वेदर कंडीशन। जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो इनके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी वेदर, डिफरेंट काइंड ऑफ द वेदर कंडीशन, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, उनके फेदर्स उनको, उनके बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बर्ड्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ फेदर। बर्ड्स के कितने टाइप फेदर्स होते हैं, दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स, ओके, फ्लाइट फेदर्स है, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। फ्लाइट फेदर, दे आर लार्ज इन साइज। फ्लाइट फेदर जो होता है, इनके साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दे आर फाउंड इन द टेल्स एंड विंग्स। ये किस में होगा फेदर्स, टेल्स और विंग्स में होगा। इनका साइज बड़ा जिसका होता है, उनके कहाँ पे फेदर्स होते हैं, टेल और विंग में होते हैं। दे हेल्प बर्ड्स टू लिफ्ट देमसेल्फ एंड प्रोवाइड बैलेंस फॉर फ्लाइट। ये क्या करते हैं, बर्ड्स को लिफ्ट करते हैं ऊपर उठने में और फ्लाइट करने में बैलेंस करते हैं। डाउन फेदर्स, फेदर्स दे ग्रो क्लोज टू स्किन एंड कीप बॉडी वार्म। ये जो डाउन फेदर्स होते हैं कहाँ ग्रो करते हैं, स्किन के पास करते हैं, वेरी क्लोज टू स्किन, स्किन के बाजू में करते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को वार्म कर सके। दे आर शॉर्ट, सॉफ्ट एंड फ्लॉपी। ये क्या होते हैं, छोटा, सॉफ्ट और फ्लॉपी होते हैं। अ न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स। जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स के छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको बहुत सारे डाउन फेदर्स होते हैं। बॉडी फेदर्स, दे कवर स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द बर्ड। स्ट्रीमलाइन का मैंने बताया था क्या मतलब होता है, उसको वो कवर करते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप ऑफ द बॉडीज, बर्ड्स बॉडी, और वो क्या करते हैं, बर्ड्स के बॉडी को शेप देते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव फेदर्स इन द डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट बर्ड्स के फेदर्स क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी दैट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर्स। दिस इज कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स, जो उड़ने के लिए होते हैं, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स, ओके। फ्लाइट फेदर जो अपलिफ्ट करने में, मतलब उड़ने में और फ्लाइट करते वक्त बैलेंस करने में ये फेदर्स क्या करता है, हेल्प करता है। डाउन फेदर्स क्या करते हैं, बॉडी को वार्म करते हैं, और ये क्या करते हैं, बॉडी फेदर्स क्या करते हैं, बॉडी को
एक कवर करते हैं और एक शेप देते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू बिक्स. बिक्स मतलब क्या होता है? चोंच. ओके. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास क्या नहीं है? टीथ नहीं है. उसके पास बर्ड्स के पास कोई दांत नहीं होता है. दे हैव बिक्स दैट हेल्प देम कैच देयर फूड एंड ईट इट. वो अपने बिक्स के हेल्प से ही अपने फूड को पकड़ता है और खाता है. द शेप ऑफ बर्ड्स बिक्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स. जो बर्ड्स के बिक्स जो शेप्स के होते हैं वो डिपेंड करते हैं काइंड ऑफ फूड्स पे. दे ऑल्सो यूज देयर बिक फॉर पिकिंग अप थिंग्स सच एज ट्विंग्स फॉर मेकिंग नेस्ट. बर्ड्स यूज बिक ट्रांसफर फूड इन टू माउथ ऑफ देयर यंग वंस. बर्ड्स अपने बिक के थ्रू क्या बनाता है? नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है. बर्ड्स अपने बिक्स के थ्रू अपने भोजन जो खाना होता है अपने बच्चे के माउथ में वो डालता है. किसके थ्रू डालता है? बिक्स के थ्रू डालता है. शॉर्ट एंड हार्ड बिक. बर्ड्स सच एज स्पैरो, पिजन एंड पीकॉक हैव शॉर्ट एंड हार्ड बिक. पीकॉक एंड पिजन एंड स्पैरो, उनके जो बिक होते हैं, चोंच होते हैं, वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं और हार्ड होते हैं. छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं. दिस टाइप ऑफ बिक हेल्प देम टू क्रश द ग्रेन्स एंड सीड. इस टाइप के जो चोंच होते हैं, जिनके स्पैरो, पिजन एंड पीकॉक के पास जो होते हैं, जो छोटा होता है और हार्ड होता है, वो क्या करता है? ग्रेन्स को और सीड को तोड़ने में मदद करता है. ओके. कर्व्ड बीक, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड. पैरट, पैराकीट एंड मैकाओ हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्व बीक. दिस बीक्स हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. ये जो बर्ड्स है, पैरट, पैराकीट एंड मैकाओ, उनका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कर्व, मजबूत टेढ़ा घुमावदार बीक होते हैं, चोंच होते हैं. वो किसके लिए होते हैं? ताकि वो नट्स और हार्ड फूड को तोड़ सकें. ओके. स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक. बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर एंड काइट हंट अ फीड ऑन द अदर एनिमल्स. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक दैट हेल्प देम टू टियर द फ्लैश ऑफ द प्रे. सी, किसके पास स्ट्रॉन्ग नुकीला और हुक टाइप का बीक रहता है? ईगल के और वल्चर एंड काइट. बिकॉज ये अपने प्रे मतलब शिकार करते हैं, तो उसके लिए इनको स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक का जरूरत पड़ता है, जिससे वो अदर एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं उसको काट सके, नोच कर वो खा सके. स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप बीक. बर्ड्स सच एज वुड पीकर, हुक पी एंड हंटिंग बर्ड, हमिंग बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप बीक. दे हेल्प देम द ड्रिल्स होल इन द ट्री ट्रंक्स मेकिंग देयर नेस्ट एंड टू पुल आवर आउट इंसेक्ट्स. इनके पास जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप होते हैं, इससे वो क्या करते हैं? ये वुड पिकर, होपी एंड हमिंग बर्ड क्या करते हैं? लकड़ी के तने में अपने बिक के सहारे उसमें क्या करते हैं? होल करते हैं और उसको उसके अंदर अपना नेस्ट बनाते हैं. एंड पुल आउट इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को बाहर निकालते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट बिक. ब्रॉड एंड फ्लैट मतलब चौड़ा और फ्लैट. बर्ड्स सच एज डग एंड सॉन हैव अ ब्रॉड फ्लैट बिक विथ स्मॉल होल ऑन द साइड्स. जो बर्ड्स होते हैं, बगुला और जो डक एंड स्वान, हंस और जो बत्तख होते हैं, बगुला होते हैं उनके, सॉरी, बत्तख और स्वान हंस, बत्तख और हंस के जो बीक होते हैं वो क्या होते हैं? चौड़ा होते हैं, ब्रॉड होते हैं. उनके बीक के पास दोनों साइड में क्या होते हैं? होल्स होते हैं. दी होल्स हेल्प देम ईट वर्म्स एंड स्मॉल प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द मडी वाटर. These holes help them to eat worms. ये जो होल है वो worms को खाने के लिए मदद करता है. And small plant present inside the muddy waters. Muddy water flows or through the holes. Muddy water के अंदर जैसे ही अपना ये beak अंदर करते हैं तो जितने भी mud होते हैं वो उस होल से बाहर निकल जाते हैं और जो insects होते हैं वो उनके चोंच के अंदर, beak के अंदर चले जाते हैं. Clear? स्पून शेप बिग. अ स्पून बिल हैज स्पून शेप बिग. दिस टाइप बिग्स हेल्प टू गैदर टेडपोल्स एंड इंसेक्ट्स ऑफ द वाटर. जिनके पास स्पून बिल जो है, स्पून बिल, ये जो बर्ड जिसका नाम है स्पून बिल, उसके पास कौन सा होता है? स्पून शेप्ड बिग होता है. क्यों? क्योंकि जब ये अपने बिग को पानी के अंदर रखते हैं टेडपोल और इंसेक्ट खाने के लिए, ये उसको हेल्प करते हैं.
फीट एंड क्लॉज। अब हम क्या पढ़ेंगे, उनके पैर और पंजे। अभी तक हमने क्या पढ़े, उनके फेदर्स पढ़े, बिग पढ़े। नाउ फीट एंड क्लॉज, क्लॉज का क्या मतलब हो गया, पंजा। फीट मतलब पैर, ठीक है। बर्ड्स हैव टू लेग्स टू मूव अराउंड, मोस्ट बर्ड्स हैव फोर टोज ऑन द ईच फुट। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, दो लेग्स होते हैं, मोस्ट बर्ड्स हैव फोर टोज। बहुत सारे बर्ड्स के पास क्या होते हैं, चार टोज होते हैं उनके एक फुट में। ईच टोज हैज कर्व एंड पॉइंटेड क्लॉ इट्स एंड। जो इनके टो हैं, जो अंगूठा हुआ पैर का, उनके लेग का, वो क्या होता है, कर्व रहता है और पॉइंटेड रहता है। क्लॉ इट्स द एंड, पंजे के, देखिए दिस इज, इनके एक पंजे में कितने हैं, चार हैं। चार क्या है, टो है, जो क्या है, कर्व और पॉइंटेड है। ये क्या है, पंजा है, दिस इज कॉल्ड पंजा, बट इन इंग्लिश क्लॉज कहते हैं, ओके। बर्ड यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू कैच फूड। बर्ड जो है अपने पैर, फीट का और क्लॉज का क्या यूज़ करते हैं, फूड को कैच करने के लिए, लेने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड टू सिट ट्री ब्रांचेज। और क्या यूज़ करते हैं उसका, अपने फूड को पकड़ने के लिए, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री के ब्रांचेस पे बैठते हैं। अगर उनके पंजे चौड़े नहीं होंगे तो फिर ट्री के ब्रांचेस पे नहीं बैठ पाएंगे। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फीट एंड क्लॉज होते हैं। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स, ईगल्स एंड वल्चर आर फ्लेश ईटिंग बर्ड्स। ईगल्स और वल्चर जो है कि कौन से बर्ड हैं, फ्लेश ईटिंग बर्ड्स हैं। फ्लेश ईटिंग मतलब जानवर के, दूसरे जानवरों के मांस खाने वाले बर्ड्स हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलोंस। इनके पास स्ट्रॉन्ग और क्या है, शार्प पंजे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैलोंस बोलते हैं। दीज बर्ड्स होल्ड देयर प्रे बिटवीन देयर टैलोंस व्हाइल फ्लाइंग। ये क्या करते हैं, जब ये फ्लाई करते रहते हैं तो अपने शिकार को अपने पंजों में होल्ड करके रखते हैं, और वो तब तक उड़ते रहते हैं जब तक उनको सही जगह नहीं मिल जाता अपने आराम से खाने के, तब तक वो अपने शिकार को अपने पास अपने पंजों में जकड़ के चलता है। बर्ड्स, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड जो टहनियों पे, पेड़ पे बैठ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। ये कैसे बैठते हैं, किसके हेल्प से बैठते हैं, अपने थ्री टोज, फोर टोज, जो थ्री टोज इनका फ्रंट में रहता है, एक टोज इनका बैक में रहता है, जिससे वो उस प्लेस को ग्रैब करते हैं और बैलेंस बना के पेड़ के टहनियों पे बैठ जाते हैं। चाहे वो कितने भी हाई टहनी क्यों ना, चाहे वो आपका देखते होंगे जो वायर जाता है बिजली का, लाइट का जो वायर जाता है, उस पे भी वो बैठ जाते हैं। किस वजह से बैठता है, कि ये अपने पैर के, फीट के, टो के वजह से ही उस बैलेंस बना के बैठते हैं। द फीट ऑफ बर्ड सच एज क्रो, स्पैरो एंड मिना हैव थ्री टोज इन फ्रंट। जैसे मैंने बताया, इनके थ्री टोज जो होते हैं फ्रंट की ओर रहते हैं, एक टोज क्या होते हैं, बैक की ओर रहते हैं। दीज यूज देयर टोज ऑन होल्ड ऑन द ब्रांच। ये ब्रांच को क्या करते हैं, इनके टोज क्या करते हैं, ब्रांचेस को, वायर को क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग। दिस हेल्प देम टू पर्च और सीट ऑन द हाई ब्रांचेस विदाउट फॉलिंग। ये क्या करते हैं, अपने पर्च जो किसके हिसाब से, पर्च के हेल्प से वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, ओके। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि अपने टोज के सारे उस एरिया, उस जगह को होल्ड कर लेते हैं और वहाँ वो बैठते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स, हेन, रोस्टर, पीकॉक हैव हार्ड एंड शार्प क्लॉज। जैसा कि आप जानते हैं, हेन के पास, रोस्टर एंड पीकॉक, देखिएगा उनके जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड एंड शार्प होते हैं। उससे वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड में मिट्टी वगैरह होता है उनको अपने पंजों से डिग करके, खोद के वहाँ से इंसेक्ट्स और वर्म को निकाल के खाते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, बर्ड्स सच एज डक एंड गूस हैव अ वेब फीट। जैसे आपको पता है, बर्ड्स में डक और गूस का जो फीट होता है वो क्या होता है, वेब्ड रहता है, जालीदार रहता है। देयर इज अ वेब ऑफ स्किन बिटवीन द थ्री फ्रंट टोज। इनके जो थ्री टोज होते हैं, टोज होते हैं, वो क्या होते हैं, वेब्ड होते हैं, तीनों के बीच में जाली लगा हुआ है। द वेब फीट एक्ट लाइक ओर्स एंड हेल्प देम टू बर्ड स्विमिंग। ये जो वेब लगा हुआ है, इसके सहारे से वो बर्ड्स पानी में क्या करते हैं, स्विम करते हैं। वेडिंग बर्ड्स, वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड हेरोन्स
हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स। जैसा कि आपको पता है कि क्रेन्स और हॉर्न्स के जो होते जो लेग्स होते क्या होते हैं, लंबे और पतले होते हैं। दे स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम द सिंकिंग इन टू द मडी वाटर। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने पैर के टोज के प्रिवेंट से ही वो अपने बर्ड मडी वाटर से खोजते हैं, अपने फूड को खोजते हैं। दे हेल्प और वो चलते हैं, दे हेल्प देम टू वॉक थ्रू द वाटर इन द सर्च ऑफ फूड। ये वाटर में जो सर्च क्या फर्स्ट सर्च करते हैं, फूड सर्च करते हैं, बट किसकी वजह से, अपने इन पैरों की वजह से। ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वेडिंग। इसको हम क्या, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वेडिंग बोलते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, बर्ड्स सच एज स्पैरोज एंड वुड पीकर हैव टू टोज दैट पॉइंट फॉरवर्ड एंड टू टोज दैट पॉइंट बैकवर्ड। पैरोट्स एंड वुड पीकर जो हैं उनके फीट जो है, पैर जो है उनके दो टोज आगे रहते हैं, दो टोज पीछे रहते हैं। ओके, जिसकी वजह से ये जिसकी दोनों चारों टोज की वजह से ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ओके, दिस बर्ड्स आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स। नाउ वेयर डू बर्ड्स लिव, अब बर्ड्स किधर रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, दे यूज ट्विग्स ग्रास फीदर कॉटन वूल लिप्स एंड समटाइम्स मड बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स किस में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, हम सबको पता है। कैसे बनाते हैं ये, ट्विग्स ग्रास फेदर्स कॉटन वूल लिप्स एंड समटाइम्स इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट। ठीक है, द नेस्ट एक्ट एज द शेल्टर फॉर द बर्ड्स। नेस्ट क्या है, बर्ड्स का घर है। जैसे हमारे पास मकान है, वैसे ही नेस्ट जो है किसका शेल्टर है, किसका घर है, बर्ड्स का। इट कीप्स देम सेफ फ्रॉम द बैड वेदर, कीप्स देम सेफ फ्रॉम बैड वेदर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बर्ड्स के जो नेस्ट है किस लिए उनके लिए हेल्पफुल है। तो वे बैड वेदर कंडीशन में उनको क्या करता है, नेस्ट सेफ रखता है, उनको अपने दुश्मनों से बचाता है। बर्ड्स ले दिया एक इन द नेस्ट, जो बर्ड्स होते हैं अपने अंडे कहाँ देते हैं, नेस्ट में देते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट टिल दे आर रेडी टू फ्लाई। और वो नेस्ट जो जिसमें उनके बच्चे, जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तब तक वो उनका उसी नेस्ट में घोंसले में बच्चों का देखभाल करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। अब यहाँ पे है कि डिफरेंट बर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट काइंड के घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। वंस देयर यंग वंस ग्रो एंड फ्लाई अवे, बर्ड्स डू नॉट यूज देयर नेस्ट। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ने लायक हो जाते हैं, उसके बाद बर्ड्स जो है नेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट बर्ड्स मेक अ न्यू नेस्ट एवरी ईयर, अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं अपना नया घोंसला हर साल बनाते हैं। नेस्ट इन होल्स, अ वुड पीकर मेक्स अ होल इन अ ट्री ट्रंक विद इट्स बीक। जो वुड पीकर है जिसको हम कठफोड़वा बोलते हैं, वो ट्री के ट्रंक में, तना में होल करता है। अब किसके सहारे, अपने बिक के सहारे, अपने चोंच के सहारे। द होल इज़ यूज्ड एज अ नेस्ट, उस होल को क्या यूज़ करता है, एज अ नेस्ट, घोंसले के रूप में यूज़ करता है। नेस्ट इन रॉक्स, पत्थर से बना हुआ घोंसला। ईगल मेक्स देयर नेस्ट ऑन द हायर ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज और ऑन रॉक्स। जो ईगल है अपना नेस्ट पेड़ के सबसे ऊपर वाले हायर ब्रांच पे बनाता है, किससे बनाता है, रॉक्स से। द नेस्ट आर कॉल्ड आईरीज, इसको नेस्ट को हम क्या बोलते हैं, आईरीज बोलते हैं। अ वुडन नेस्ट, अ वेवर बर्ड यूज ग्रास ट्विग्स एंड लीव्स टू वीव अ नेस्ट ऑन अ ट्री विद इट्स बीक। आपको पता है कि ये जो बर्ड्स है अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, अपने बीक के थ्रू वो घोंसले को बनाते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं, ग्रास ट्विग्स एंड लीव्स, ओके, लिप्स टू वीव अ नेस्ट। उनको बुनते हैं, किसके सहारे बुनते हैं, अपने बिक के सहारे बुनते हैं। द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, इनके नेस्ट कहाँ हैंग होते हैं, ब्रांचेज ऑफ ट्री के टहनियों पे। इट पुल्स द ग्रास इन एंड आउट विथ इट्स बिक एंड इज वीव द नेस्ट। ये जो नेस्ट बनाते हैं किससे बनाते हैं, ग्रास से बनाते हैं। इन एंड आउट विथ इट बिक्स, इसे बाहर और अंदर की ओर करके। देर इज अ टनल सेप ओपनिंग फॉर द बर्ड टू इंटर, ये एक टनल सेप का बनाते हैं जिससे मुंह खुला रहता है, जिससे बर्ड को इंटर करने में हेल्प करता है। अ स्टिच नेस्ट, अ टेलर बर्ड मेक्स इज नेस्ट आवर आउट ऑफ लार्ज साइज लीव्स।
It uses its beak like a needle to stitch the leaves together using cotton threads and or threads from the spider's web. एक टेलर बर्ड है जो काइंड ऑफ द बर्ड से, वो एक टेलर बर्ड जिसका बर्ड नाम है, वो अपना नेस्ट किससे बनाता है, लार्ज साइज ऑफ लीव्स से बनाता है. उसका जो बीक है वो किस टाइप का है, निडल टाइप का. तो वो क्या करता है, स्टिच द लीव्स टुगेदर, एक साथ वो क्या करता है, लीव्स को स्टिच करता है. और क्या यूज़ करता है, कॉटन थ्रेड्स और कभी कभी स्पाइडर वेब के थ्रेड्स को भी वो यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने में. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेलर बर्ड. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड बोलते हैं. देखिए ये जिसने बनाया है, दो बड़े बिग लिप्स के सहारे कॉटन थ्रेड या स्पाइडर के वेब से वो क्या किया, इसको स्टिच कर दिया. ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेलर बर्ड. नेस्ट ऑन ओपन ग्राउंड, पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद द फ्यू स्टोन्स और पेबल्स. पेंगुइन जो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ग्राउंड में बनाता है कुछ पत्थर और कंकर के सहारे. दे प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम द रोलिंग वे, अपने एग्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मेल्टिंग आइस, और ये क्या करता है, मेल्टिंग आइस से बचने के लिए भी, जो बर्फ पिघलता है तो पेंगुइन उसको बचने के लिए उस पर बैठता भी है. केयरिंग ऑफ यंग वंस, बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, बर्ड्स अपने अंडे कहाँ देते हैं, नेस्ट में देते हैं. द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स फॉर सम डेज टू कीप देम वार्म, जो मदर बर्ड होती है वो अपने अंडों पे बैठती है ताकि वो गर्म उनको गर्मी मिल सके. दी है द बेबी बर्ड्स डेवलप इनसाइड द एग्स, जो उनकी माँ बैठती है अंडे पे, अपने अंडे पे बैठती है, उसको वो गर्म करती है, उसे क्या होता है, बेबी बर्ड्स को डेवलप करने में, अंडे के अंदर डेवलप करने में मदद मिलती है. वेन द एग्स हैच एंड द बेबीज कम आउट, दे आर वीक एंड फेदरलेस, जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं उस समय वो जो बर्ड बेबी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते और पंख नहीं होते उनके पास. द पेरेंट्स फीड देम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको खिलाते हैं और एनिमल्स से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीट. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा. ओके, दैट्स व्हाट टुडे. थैंक यू.